हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट अफेयर्स अपडेट में। मैं श्रेयांश तिवारी। जैसा कि हम रीजनिंग का टॉपिक कर रहे थे, तो रीजनिंग के टॉपिक को आज अपन आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाते हुए हम जो अगला टॉपिक ले रहे हैं वो आपको दिख रहा होगा, वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो कैसे हम फिगर्स की काउंटिंग करते हैं, तो उनको फिगर को काउंटिंग करने के लिए हम क्या ट्रिक को यूज करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, वो आज हम देखेंगे, ठीक है। और इसको देखने के बाद आपको कभी भी काउंटिंग के कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। मैंने सारे लगभग सारे टाइप्स कवर किए हैं, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और हम सिर्फ लगभग उनको ट्रिक से करेंगे, सिंपल, कम से कम टाइम में, विद इन 4 to 5 सेकेंड, कैसे हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने कुछ टाइप समझाए हैं, टाइप देख लेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप नंबर वन। तो टाइप नंबर वन देखिए, टाइप नंबर वन है व्हेन अ ट्रायंगल इज डिवाइडेड बाय वर्टिकल लाइंस। अगर कोई ट्रायंगल को वर्टिकल लाइन से हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि ये देखिए आप, ये ट्रायंगल है, इसको मैंने वर्टिकल लाइन से डिवाइड कर दिया। ये देखिए, ये वर्टिकल लाइन थी, तीन लाइन ड्रॉ करके इसको डिवाइड किया, और इसको इसी तरह 1, 2, 3, 4 लाइन ड्रॉ करके डिवाइड किया। तो ये इसमें पूछा जाएगा आपसे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, आपको ये बताना है। तो देखो, इसको करने का एक सिंपल मेथड देखते हैं हम, बिल्कुल ट्रिक है। यहां तो आपको दिख रहा है ये एक ट्रायंगल है, तो एक ही होगा इसमें, है ना, ठीक। अब देखिए, इसको डिवाइड किया यहां से, इसको नंबर दीजिए 1, इसको नंबर दीजिए 2, ठीक, और दोनों का ऐड कर दीजिए। 1 + 2 क्या होगा, 3, 1 + 2 3, तो इसके अंदर ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 3, ठीक। अब इस फिगर में देखिए, इसी तरीके से जहां जहां नंबर लाइन, जो हमने नई लाइन ड्रॉ करी है, वहां से नंबर मार्क करना शुरू करते हैं। 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक, सबको ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, + 1 10, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें क्या होंगे, 10। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब अगले में देखिए, इसमें भी 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5, इनको काउंट, इनको ऐड कर दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 + 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 15। तो जब भी वर्टिकल लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं, अगर किसी ट्रायंगल में वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करते हैं, तो हम उसको 1 2 3 इस टाइप से मार्क कर लेंगे और सारे को ऐड कर लेंगे। तो 1 2 एक किया, 1 + 2 3 हो गया, इसको 1 2 3 4 में किया, 1 + 2 + 3 + 4 10 हो गया। तो ये बहुत ही बेसिक और सिंपल मेथड है, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले देखा वर्टिकल लाइंस को जब हम ड्रॉ करते हैं, कब करते हैं, जब वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करते हैं। अब अपने नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, अगर हॉरिजेंटल लाइंस है, अगर उसमें हॉरिजेंटल लाइंस है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। अगर हॉरिजेंटल लाइंस देखिए, 1 2 3, ये दिख रही है आपको, हॉरिजेंटल लाइंस डाली गई है इसमें, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो इसके तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, आपको बस ये काउंट करना है कि नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइंस कितनी है, इसमें कितनी है, 1, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, 3 हॉरिजेंटल लाइंस है, 1 2 3, अगर 3 हॉरिजेंटल लाइंस है तो नंबर ऑफ जो ट्रायंगल्स बनेंगे वो भी 3 बनेंगे। समझ में आया, जितनी हॉरिजेंटल लाइंस होंगी उतने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे। 3 है, 1 2 3, तो 3 बनेंगे। अब हम एक फिगर बनाते हैं जिसमें 4 होंगी, तो उसको देखिए, सिंपल मैं फिगर बना रहा हूं, 1 2 3 4, इसमें कितनी है, 1 2 3 3 और ये 4, 4 है। अब जब आपको पता है इसमें हॉरिजेंटल लाइंस 4 है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, 4। बस कुछ नहीं करना है, जब भी हॉरिजेंटल लाइंस को डिवाइड करते हैं ट्रायंगल में, तो जितनी हॉरिजेंटल लाइंस होंगी उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। यहां 3 थे तो 1 2 3 हो गए, यहां पर 4 थे तो 4 हो गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टाइप देखिए। पहले हमने देख लिया वर्टिकल में अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, फिर देख लिया हॉरिजेंटल में डिवाइड करेंगे तो कितने होंगे। अब हमें देखना है जब इसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस, दोनों तरह की लाइंस होंगी, वर्टिकल्स में भी डिवाइड करेंगे और हॉरिजेंटली भी डिवाइड करेंगे, तो हमें कैसे काउंट करना है। देखिए, ये तो सिर्फ हॉरिजेंटल है, तो इसका तो आपको पता है। यहां देखो, ये हॉरिजेंटल लाइन भी है, वर्टिकल लाइन भी है, इसमें भी देखो ये हॉरिजेंटल लाइन है और वर्टिकल लाइन भी है, ठीक। तो इसमें कैसे करना है, ये देखो, आपको जिस पे इस ट्रायंगल काउंट करना है, 1, इसको 2 मार्क कर लीजिए, इसको भी 1 और 2 मार्क कर लीजिए, ठीक, यहां तक क्लियर।
अब वन और टू कितना होगा, ऐड करेंगे तो थ्री, यहां वन और टू कितना होगा थ्री, और इस थ्री और थ्री को ऐड कर दीजिए तो इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, सिक्स। बहुत ही सिंपल, क्या किया, वन टू मार्क कर लिया और इसको भी वन टू कर लिया, वन और टू थ्री, थ्री और थ्री सिक्स, ठीक, बहुत ही इजीली हो गया, है ना। अब देखते इसमें भी क्या करेंगे, इसमें अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना है तो कैसे करेंगे, इसमें भी वन टू वन टू वन टू, ठीक, वन और टू ये हो गया थ्री, वन और टू ये भी थ्री, वन और टू ये हो गया थ्री, थ्री थ्री सिक्स थ्री नाइन, तो इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे नाइन, ठीक। दैट मीन्स अगर वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों साइड से अगर हम ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं तो हमको वन टू इस टाइप से मार्क कर लेना, वन टू इनको ऐड कर देना है सबको और इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें एक और लाइन होती, अगर ये ऐसा भी होता, लेट अस कंसीडर ऐसा, ये और होता, ये बीच में लाइन होती, इसको भी वन टू कर लेते, ठीक है, तो इसमें कितने हो जाते, ट्वेल्व हो जाते। दैट मीन्स सिर्फ वन टू मार्क करके वन और टू थ्री, और कितने बार किया, एक दो तीन, तीन 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 छह नौ हो गए, ठीक। अब बढ़ते अपने अगले टाइप पे। अब देखिए, अगर कभी किसी रेक्टेंगल में या स्क्वायर में या कोई क्वाड्रिलेटरल में इसके अंदर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, कोई भी फिगर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल्स हो सकता है या क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे, ये भी पूछेंगे आप, पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या करना है, इसका भी बहुत सिंपल मेथड है। ये एक स्क्वायर है, ठीक, सबसे पहला फिगर लीजिए, सबसे पहला फिगर क्या है हमारा, ये वाला ले रहे हैं अभी हम, ठीक, ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर को इस टाइप से डिवाइड किया है डायगोनली, अब पूछा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने, तो क्या करना है आपको, सब पार्ट में वन टू थ्री फोर, कहीं से भी स्टार्ट करके काउंटिंग लिख देना है, ठीक, तो फोर हो गया, फोर, और इसको जस्ट डबल कर देना, मतलब टू से मल्टीप्लाई कर देना है, फोर इंटू टू, तो इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने जाएंगे, एट। क्या किया, स्क्वायर था, डायगोनली डिवाइड किया हुआ था, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे थे, तो हमने वन टू थ्री फोर इस तरह से मार्क कर दिया, तो फोर इसको जस्ट क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एट हो गया, ठीक। अब देखिए ये वाला फिगर, ये रेक्टेंगल है, इसमें भी डायगोनली डिवाइड किया और ये बीच में से ब्रेस को डिवाइड कर रखा है, तो इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कहीं से भी आप नंबरिंग स्टार्ट कर दिए, मैं यहां से करता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो गया। अब क्या करना, एट यहां लिखा, इसको डबल कर दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, सिक्सटीन, है ना, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, हमें बस नंबर ऑफ जो ट्रायंगल निकालने के लिए इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट में डिवाइड को मैं इसको मार्क कर देना है और उसका डबल कर देना है, ठीक। अब देखते हैं अगला टाइप, इसी में अगला फिगर देखिए। अब इस फिगर में देखिए, इसमें क्या है, ये एक स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर, उन दोनों स्क्वायर को ऐड कर दिया है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, डायगोनली डिवाइड किया, उसको ऐड कर दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर में हम निकालेंगे अगर इसमें, तो ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर, फोर इंटू टू एट हो जाएगा इसमें, ठीक, इसी तरीके से वन टू थ्री फोर एट इसमें हो जाएगा, एट इसमें हो जाएगा, यहां तक क्लियर। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, ठीक, और एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, और प्लस इसको टू कर देना है, तो एट एट सिक्सटीन और प्लस टू एटीन, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर से देखो क्या किया, ये एक स्क्वायर था, ये वाला एक स्क्वायर था, वन टू थ्री फोर, फोर टू जा एट, इसमें एट हो गए, सिमिलरली एट इसमें भी हो गए, इसका भी एट लिख लिया, ठीक, और एक जो है, एक ट्रायंगल ये बन रहा था, ये एक ट्रायंगल बनेगा और एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ए तो दो ए हो गए, सबको ऐड कर दे, एट्टीन हो गया, ठीक। इसी पैटर्न में इसमें देख लेते हैं, ये देखो एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर है ना, दिख रहा है आपको, एक दो तीन है, तो सिमिलरली क्या करेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर टू या एट इसमें हो गए, प्लस एट इसके हो गए और प्लस एट इसके हो गए, यहां तक बात क्लियर। इसके बाद देखो, एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, ठीक, और एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा, प्लस टू, सिमिलरली एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, प्लस टू, तो एट एट ट्वेंटी फोर
और 224 और 226 और 228, तो इसका आंसर हो गया 28। फिर से देखो, बताता हूँ एक बार, फिर से एक बार देखते हैं। देखो, हमने 1 2 3 4 मार्क किया, तो 4 2 8 8 8 तीनों में हो गए, 8 8 8 तीनों में लिख दिया। इसके बाद देखो, एक ट्रायंगल ये बना और एक ये बना, दो ये हो गए। सिमिलरली एक ट्रायंगल ये बना और एक ट्रायंगल ये बना, दो इसके हो गए। इन सबको ऐड किया तो इसका आंसर हो गया 28। बहुत ही ईजी है ना। तो कभी भी रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर या कोई क्वाड्रिलेटरल में आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछते हैं तो उसको करने का तरीका ये रहेगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पे। अब देखिए, अब क्या है, अगर कोई ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है, किसी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है, तब हम कैसे काउंट करेंगे उसका तरीका देखते हैं। अगर जैसे कि ये ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल ये बना हुआ है ना, तो इसमें कैसे काउंट करते हैं इसको समझिए। अब देखो, हमें सिर्फ ये देखना है कि बाहर वाला ट्रायंगल एक ये हो गया, इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल होगा तो नंबर ऑफ जो ट्रायंगल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4। क्या बोला मैंने, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल होगा, कितना, एक, तो कितने होंगे 4। ठीक, और एक ये हो जाएगा बाहर वाला और एक ये बाहर वाला, 4 + 1 5 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया, अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल होगा तो उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे 4। ठीक, इसी तरीके से इसमें देखो, ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, इसके अंदर एक ट्रायंगल ये हो गया, तो इसके कितने ट्रायंगल्स हो गए, 4। ठीक, और इसके अंदर भी एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, तो इसके कितने हो गए, 4, और एक हो गया ये बाहर वाला, तो +1, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे 9। ठीक, फिर से देख लो, देखो इसके अंदर नंबर ऑफ एक ट्रायंगल था ये वाला, इस बड़े ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल था ये वाला, तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, 4, और +1 ये बाहर वाला, 5 हो गए। ठीक, अब इस वाले फिगर में देखते, इस बड़े वाले के अंदर एक ही हो गया तो 4 इसके, इसके अंदर एक ये हो गया तो 4 इसके, प्लस बाहर वाले का एक, 9, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, 9। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले टाइप। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए, ये जो पैटर्न जो है, देखो अभी हमने ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल और उसके अंदर ट्रायंगल हो तो हमने देखा था कैसे उसको काउंट करते हैं, तो ये वाला पैटर्न मैंने देख लिया। अब देखिए, इससे इस फिगर को मैंने बनाया गया है, तो देखते हैं हम कैसे बनाया। मैंने इसको देखिए, यहां से इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया, तो ये फिगर बन गया। अब हमसे पूछा है इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, ये तो हमने अभी लास्ट निकाल लिया था, अब इसमें कितने होंगे वो निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं, इस बड़े ट्रायंगल के अंदर, ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसके अंदर छोटा ट्रायंगल है, ये जो बड़ा है इसके अंदर ये एक ट्रायंगल ये है, तो इसके कितने हो गए, 4, और इसके अंदर एक ये है, +4। ठीक, ऐसा हो गया, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे क्या किया था, इसके अंदर क्या है, एक, तो इसका 4 हो गया, और इसके अंदर एक हो गया तो ये 4 हो गया, और एक बड़ा वाला हो गया, है ना। तो सेम पैटर्न पे इस बड़े ट्रायंगल के अंदर छोटा वाला ये ट्रायंगल हो गया, इसके 4, इसके अंदर ये हो गया, उसके 4, उसके अंदर तो कोई ट्रायंगल नहीं है, +1 किसका, बड़े वाले का, तो ये हो गया 1। तो इसमें अभी कितने हो गए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अभी हो गए हैं 9। ठीक, अभी अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, अभी ये 9। ठीक, अब देखो, जब ये लाइन मैच कर दिया, ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों आ गई, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो आप, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, यहाँ पर एक ये हो गया, दो ये हो गया, 2 2 2 +9 +2 1 2, दो इसके हो गए, दो इसके हो गए, और दो इसमें हो गए, दो इसमें ट्रायंगल हो गए, दो इसमें हो गए, दो इसमें हो गए, ये ऐड हो जाएंगे, 9 + 2 11 +13 13 + 2 15, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें क्या हो जाएंगे, 15। ठीक, तो कभी भी अगर फिगर में कुछ और भी एक्स्ट्रा बना हुआ है, सबसे पहले आप क्या करो, ट्रायंगल के अंदर जो ट्रायंगल है, तो इस बड़े ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल था, उसके 4 हो गए ट्रायंगल, फिर उस छोटे वाले के अंदर एक और छोटा था, उसके 4 हो गए, और एक जो है बड़े वाले का, तो ऐसे 9 हो गए। ठीक, फिर एक, दो इसके हो गए, दो इसके हो गए, दो इसके हो गए, टोटल मिला के इसके हो गए 15। ठीक, तो देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं। अब हम देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप। इसमें क्या है,
इसमें क्या होता है कि जो जो ट्रायंगल का जो बेस होता है, बेस बोल सकते हैं या फिर अपन हॉरिजेंटल लाइंस जो होती है, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस है इस पर जो ट्रायंगल्स बनाए गए थे, इसके ऊपर भी ट्रायंगल्स बनाए गए हैं, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा है कितने ट्रायंगल हैं तो वो कैसे करेंगे। ठीक, तो ये वाला तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल से भी आएगा, तो इसमें तो क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है 4 प्लस एक बाहर वाला 1, तो ये तो 5 हो जाएगा। ठीक, अब 1, 2, 3 है इस पैटर्न क्वेश्चन, उनको कैसे करना है देखो। सबसे पहले आप समझ लीजिए, इनको करने का एक तरीका तो ये फॉर्मूला है। ठीक, अगर आप फॉर्मूला से करना चाहते हैं तो फॉर्मूला से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ इसको करने के लिए क्या ट्रिक है। ठीक है, बहुत आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान है, देखते कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें नंबरिंग करना पड़ेगी, यहाँ से 1 से यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से कहीं से भी करिए, 1 ये हो गया 2 ये 3। ठीक, इसी तरीके से यहाँ करते हैं 1, 2, 3। ठीक, तो 3 ऐसे में हो गए, 3 ऐसे में हो गए, ठीक बराबर है, जब ये बराबर हो तभी ये फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या करेंगे, अगर अभी हम फॉर्मूले से नहीं कर रहे हैं, ट्रिक से कर रहे हैं, 1, 2, 3 है तो यहाँ लिखिए 1, ये 2, ये 3। ठीक, लिख दिया 1, 2, 3, अब 1 के सामने ये 1 ही हो जाएगा। ठीक, 1 में अब 2 को ऐड करेंगे, 1 में 2 को ऐड करेंगे क्या हो गया, 3 हो गया, 1 प्लस 2, 3, 3 में 3 को इस 3 से ऐड करेंगे, 3 प्लस 3 क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर से देखो हमने क्या किया, इसमें 1, 2, 3, 3 है। ठीक, 1, 2, 3, 3 है, तो हमने 1, 2, 3 ऐसे लिख लिया, 1 के सामने हो गया 1। ठीक, अब 1 को 2 में ऐड किया तो ये आ गया 3, ये देखो ऐसे आ गया, 3 को 3 में ऐड किया तो ये आ गया 6। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 6 क्या होगा, 3 प्लस 1 4, 4 और 6 10। ठीक, अभी आंसर नहीं आया है, 10 आ गया, अब क्या करना है, अब देखिए नीचे से ऊपर की साइड जाना है, अल्टरनेट नंबर्स को लेना है हमें, मतलब जो पहला नंबर आएगा उसको नहीं लेना है, उसके बाद जो अल्टरनेट आएगा उसको लेना है। तो जब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ऊपर जाना, तो अल्टरनेट लेना है तो सबसे पहला वाला नहीं लेना है, मतलब 6 को कैंसिल कर दिया, नहीं लेना है, 3 को अल्टरनेट लेना पड़ेगा फिर। ठीक, इसको नहीं लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको फिर नहीं लेंगे, तो 10 प्लस 3 13 इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया, देखो 10 तक तो आ गया था, इसके बाद हमें नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है और अल्टरनेट जो नंबर्स हैं उसको लेना है, और पहला जो नंबर है वो स्टार्ट करना नहीं लेने से, तो पहला नहीं लेंगे फिर अगला ले लेंगे, 3 13। इस टाइप से इसको भी देखते हैं, अब इसमें भी नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक, ये कर दिया, अब इसको अपन 1, 2, 3, 4 यहाँ लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, जो यहाँ पे किया था क्रॉस वैसी करेंगे, 1 के सामने 1 लिख लिया, 1 को 2 में ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 3 हो गया, 3 को 3 में ऐड किया तो क्या हो गया, 6 हो गया, 6 को 4 में ऐड किया तो क्या हो गया, 6 और 4 10 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, अब इन सबको ऐड करेंगे तो 10 और 6 16 16 और 3 19 प्लस 1 20 आ गया, यहाँ तक 20 आ गया, ये क्लियर। इसके बाद क्या करते हैं, हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, पहला नंबर नहीं लेते हैं, अल्टरनेट लेते हैं, तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे +6, फिर इसको फिर नहीं लेंगे अल्टरनेट में, फिर इसको लेंगे 1 प्लस 1, तो 20 प्लस 6 20 प्लस 6 26 प्लस 1 27, तो इसमें जो ट्रायंगल्स आ गए 27 आ गए। समझ में आ गया, मुझे लगता है देखो समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके हैं, 1, 2, 3 आपको लेके क्रॉस में इसको ऐड कर देना है, जब टोटल ऐड करेगा 10 आ गया, फिर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है, पहला नंबर नहीं लेना, उसके बाद बार लेना है, फिर नहीं लेना, फिर लेना है अल्टरनेट, 3 को यहाँ पे लिया, 3 को ऐड किया 13 आ गया। सिमिलरली इसमें भी किया था, 1, 2, 3, 4 इसमें हमने लिख लिया, फिर क्रॉस में हमने सब ऐड कर दिया, तो यह इसको ऐड करने पे आ गया 20। ठीक, 20 के बाद नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, पहला नंबर नहीं लेंगे, 10 को नहीं लेंगे, फिर 6 को लेंगे, फिर 3 को नहीं लेंगे, फिर 1 को लेंगे, तो इस टाइप से इसका आंसर आ गया 27। सिमिलरली इसको भी करना है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसमें इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इस टाइप से 1, 2, 3, 4, 5 लिख लेंगे। ठीक, और इसके बाद जो सॉल्यूशन करना है वो आप खुद करेंगे, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो और अगर इसको फॉर्मूला से भी करना चाहते तो आप फॉर्मूला से कर सकते हैं।
ठीक, इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर लेकिन ये ट्रिक है आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको सब कुछ आज अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी काउंटिंग फिगर्स क्वेश्चन थे उस पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन थे आज मैंने आपको सब सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, और सब जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी मैक्सिमम ट्रिक्स है वो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।